YouTube के दर्शकों को मेरा प्रणाम नमस्कार। दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागत है डॉक्टर राजेश वर्मा के YouTube चैनल पर, और इस वीडियो का जो विषय है वो है सांख्यिकी का परिचय भाग एक, अर्थात इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स पार्ट वन। पार्ट वन और टू इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में किया है क्योंकि जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है स्टैटिस्टिक्स का वो थोड़ा बड़ा है, और अगर एक में करता तो वीडियो लगभग एक घंटे से ऊपर चली जाती, तो कौन देखेगा एक घंटे की। इसलिए मैंने क्या किया, इसके पार्ट वन और पार्ट टू कर दिए हैं। ठीक, जब भी किसी कंसेप्ट की, किसी अवधारणा की जब बात करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ कोट्स मिल जाए, कुछ उदाहरण मिल जाए, महापुरुषों द्वारा कही गई कुछ सूक्तियां या उक्तियां मिल जाए, तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। अर्थात ये जो कोट्स होती है ना, ये किसी भी कंसेप्ट का श्रृंगार होती है, और हमें उन्हें अच्छे से समझना चाहिए और जानना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली कोट्स जो दी है भारत के महान स्टैटिस्टिशियन पीसी महालनोबिस ने, वो कहते हैं कि सांख्यिकी में स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य होने चाहिए, जिसका एक पहलू क्या हो, वैज्ञानिक उन्नति, और दूसरा मानव कल्याण और राष्ट्रीय विकास। वो ये कहते हैं कि ठीक है, वैज्ञानिक उन्नति तो स्टैटिस्टिक्स का तो एक एस्पेक्ट है ही है, उसके साथ साथ है स्टैटिस्टिक्स का हमेशा से इस्तेमाल हो किसके लिए, पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए, पूरे इस पर्यावरण के कल्याण के लिए, पूरे जीव जंतुओं के कल्याण के लिए, और उससे भी बड़ी बात उन्होंने बताई है कि राष्ट्र के विकास के लिए सांख्यिकी का उपयोग होना चाहिए। ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। वो ये कहते हैं कि इनके इस सेंटेंस से, इस बात से, इस बात का अंदाजा लगता है कि वो कितने बड़े राष्ट्रवादी रहे हैं और राष्ट्र का उन्होंने विकास में उन्होंने अपना योगदान दिया है। राष्ट्र की भावना से पीसीएम साहब कितने ओत प्रोत रहे हैं, यानी उनको प्यार से लोग पीसीएम कहा करते थे। अब देखते हैं हम कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन एक जाने माने नाम है स्टैटिस्टिक्स में, जिनके एक बहुत बड़ा फेमस कोरिलेशन कोफिशिएंट आर जो छोटा वो कैलकुलेट करते हैं, उन्होंने दिया था कार्ल पियर्सन साहब ने, और बहुत सारा उनका रोल है स्टैटिस्टिक्स में। वो कहते हैं कि सांख्यिकी विज्ञान का व्याकरण है, मींस स्टैटिस्टिक्स इज द ग्रामर ऑफ साइंस। अच्छा, आप बताइए ग्रामर का रोल क्या होता है भाषा में। बिल्कुल, बोली को भाषा में परिवर्तित करने वाली अगर कोई चीज है तो वो ग्रामर है। बोलियां तो बहुत है, उसको अगर आप उसका व्याकरण है तो वो व्याकरण क्या करता है, उसको बिल्कुल उसका श्रृंगार कर देता है उस बोली का, और वो बोली फिर एक भाषा में परिवर्तित हो जाती है, उसको एक सुंदर एक रूप दे देता है, एक शानदार रूप दे देता है, जो सदा के लिए वो एक भाषा में परिवर्तित हो। तो आप देखिए इसी प्रकार से आपका जो ये स्टैटिस्टिक्स है, ये आपके साइंस का एक ग्रामर है, जो साइंस को एक बहुत ब्यूटीफुल एक फील्ड बनाती है। कितनी बड़ी बात कही उन्होंने, तो आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है मार्क ट्वेन द्वारा, वो कहते हैं कि तथ्य जिद्दी होते हैं लेकिन आंकड़े या स्टैटिस्टिक्स सुस्पष्ट होते हैं। तथ्य मतलब फैक्ट्स, फैक्ट्स मींस फैक्ट्स। आप देखिए, आपको लगता है कि जो सन है या सूरज वो ईस्ट से पूर्व से निकलता हुआ दिखाई देता है, तो इस तथ्य है तो तथ्य है, जिद्दी है, नहीं बदलेगा कुछ भी, आप कुछ कर लो ये नहीं बदलेगा। फिर नई दिल्ली भारत की राजधानी है, तो ये तथ्य है, ये फैक्ट है, इसलिए क्या हो गया, वो कहते हैं कि मार्क ट्वेन कहते हैं ये तो जिद्दी होते हैं भाई, इनमें कोई अडामेंट होते हैं, दे डोंट चेंज। लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स है, जो आंकड़े हैं, वो बिल्कुल पैलिबल होते हैं, सुस्पष्ट होते हैं, वो क्लियर कट कुछ ना कुछ बात कहते हैं। तो दोस्तों ये कुछ कोट्स, ये कुछ श्रृंगार, ये कुछ गहने हैं हमारे इस इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स वीडियो के। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे परिभाषा से। What is the definition of statistics? पहली बात आप ये मान के चले, ये गांठ मार ले अपने मस्तिष्क में कि सांख्यिकी हमेशा से गणित की शाखा है, ये इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है, लेकिन इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। वो क्या करती है, जो प्रदत्त गणना और मापन योग्य डाटा के बीच संबंधों का अन्वेषण करती है। प्रदत्त गणना का मतलब होता है इनोमरेशन डेटा, डेटा को काउंट करना, फिर उसके बाद उसको आवृत्ति में सजा देना, फ्रीक्वेंसी में, और दूसरा होता है मापन योग्य डेटा, मेजरेबल डेटा,
जिस चीज को हम मेजर कर सके, तो उनके दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को एक्सप्लोर करना किसका काम है? सांख्यिकी का, स्टेटिस्टिक्स का, जो कौन है वो, गणित की एक शाखा है। नेक्स्ट आप देखिए बैरन साहब क्या कहते हैं, सांख्यिकी वो गणितीय प्रक्रियाएं होती है, ये बात भी कर रहे हैं कि जो ये मैथमेटिकल की बात कर रहे हैं, यहां पर प्रोसेस बता रहे हैं जिनका उपयोग, यानी वो प्रक्रियाएं जो गणित सांख्यिकी स्टेटिस्टिक्स डेटा के विश्लेषण एनालिसिस करने के लिए, निरूपण एक्सप्लेन करने के लिए और उनसे निष्कर्ष निकालने के लिए किया जाता है, उनसे कंक्लूजन इन्फ्रेंस निकालने के लिए किया जाता है। तो सांख्यिकी मैथमेटिकल कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं। तो ये दो परिभाषा, और भी बहुत सारी परिभाषाएं आपको मिल जाएंगी, लेकिन इन दो में काफी कुछ समेट लिया है, गागर में सागर भरने की उन्होंने कोशिश की है, इसलिए दो परिभाषाएं मैंने आपके सामने ये रखी और एक्सप्लेन की। आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रश्न कई विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं कि सर हम मनोविज्ञान के छात्र हैं, हमें सांख्यिकी की पढ़ने की क्या जरूरत है, क्यों हम स्टेटिस्टिक्स में अपना दिमाग खपाएं, ऐसा मुझसे वो कहते हैं। लेकिन मैं भी उन बच्चों को वैसा ही उतना बढ़िया प्रश्न का जवाब देता हूं उनके लेवल पर जाकर, और ये प्रश्न आप भी कर सकते थे कि मैं मनोविज्ञान के छात्र या छात्रा हूं, मुझे क्यों स्टेटिस्टिक्स पढ़ने की जरूरत है? हो सकता है क्योंकि जब आप मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो आप साइंस पढ़ते हैं। मनोविज्ञान वो विषय है जो इस दुनिया में दो धाराएं हैं, सोशल साइंस और फिजिकल साइंस, इन दोनों धाराओं को साथ लेकर चलता है। और अगर मनोविज्ञान विज्ञान की एक धारा है, एक धारा को बहता हुआ चलता है, तो स्टेटिस्टिक तो आवश्यक है ही ना। ठीक, ये तो मैंने मोटिवेशनल बात बताई क्यों आवश्यक है। अब आपको मैं इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूं। आपको पता है मनोविज्ञान में हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं, मानव का व्यवहार हो, किसी जानवर का व्यवहार हो, अध्ययन करते हैं। और व्यवहार को आपको पता है कितना अनिश्चित होता है और साथ साथ में कितना डायनेमिक होता है। अनिश्चित मतलब पता नहीं कब क्या मानव व्यवहार कर दे, क्या जो कौन जानवर कब कैसा व्यवहार कर दे, डायनेमिक गतिशील। इसका एग्जाम्पल बताता हूं, जिस प्रकार से नदी में बहने वाला पानी हर क्षण वैसा ही नहीं रहता, हर क्षण बदलता रहता है, गतिशील है, क्योंकि नदी एक पल पहले जो नदी थी वो वैसे नहीं, हर पल बदलती रहती है। इसी प्रकार हमारा व्यवहार है। ठीक है, कुछ व्यवहार में हमारे कंसिस्टेंसी पाई जाती है, लेकिन ये गतिशील है और अनिश्चित है। लेकिन जब इतनी बड़ी बात है, कोई चीज गतिशील है और अनिश्चित है, उसको आपको पढ़ना है, समझना है, उसको लैब में एक्सपेरिमेंट करना है, उसके वेरिएबल्स हमें कंट्रोल करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि उसको हमें प्रेडिक्ट करना है। बड़ी बात यही है साइंस की, क्यों उस व्यवहार को हमें प्रेडिक्ट करना है, और ऐसे व्यवहार को प्रेडिक्ट करना जो अनिश्चित और गतिशील होता है। उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी आपको? सांख्यिकी, स्टेटिस्टिक्स, क्योंकि स्टेटिस्टिक्स वही टूल है जो बहुत सारे अनवांटेड वेरिएबल्स का जो असर हमारे रिसर्च पर पड़ता है उसको निकाल सकता है। बात समझ में आई? इसलिए आपको मनोविज्ञान के छात्र को सांख्यिकी पढ़ना जरूरी है। अब बात करते हैं कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में, उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स को, बहुत सारे चरों को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, उस कंट्रोल करने में भी सांख्यिकी का उपयोग होता है। ठीक, और जब हम इस तरह करते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होता है? व्यवहार के बारे में अनुमान लगाना या फिर उसका भविष्यवाणी करना। और इसीलिए व्यवहार के बारे में अनुमान लगाना या भविष्यवाणी करना, अगर आप चाहते हैं, आप रिसर्चर हैं, अनुसंधान करता है, तो आपको सांख्यिकी आनी ही चाहिए। ठीक, इसके साथ साथ कुछ और भी पहलू हैं जो आपको ये बताते हैं कि हमें क्यों पढ़नी चाहिए सांख्यिकी मनोविज्ञान के विद्यार्थी को। गिलफोर्ड और फैक्टर साहब 1978 उनकी बुक है, उसमें वो कहते हैं कि सांख्यिकी विधियां मनोवैज्ञानिक प्रयोग के स्थिर साथी होते हैं, स्टेबल फ्रेंड्स होते हैं ये। यानी कि जितनी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनके जो स्टेबल फ्रेंड, उनकी एक छाया की तरह साथ चलते हैं, वो है आपकी स्टेटिस्टिकल मेथड्स, टेक्निक्स। ठीक, और अगर वैज्ञानिक प्रयोगों के वो साथी हैं तो बेशक मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के भी वो हैं, क्योंकि मनोविज्ञान के प्रयोग भी लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में उतनी ही ऑब्जेक्टिविटी के साथ होते हैं, किए जाते हैं, जितने की दूसरे विज्ञान के एक्सपेरिमेंट्स। इसीलिए आपको सांख्यिकी पढ़ना जरूरी है, आवश्यक है। अब
इसके साथ कुछ और भी आपके जरूरतें हैं जिस कारण से सांख्यिकी को पढ़ना चाहिए। पहली बात, एडवांस रिसर्च रिपोर्ट, जो शोध पत्र प्रकाशित होते हैं कि आजकल लेटेस्ट मनोविज्ञान में रिसर्च में क्या चल रहा है, वो सारी की सारी अगर आपको पढ़नी है, वो जानना है, आपको अपने आप को अपडेट रखना है, तो आपको सांख्यिकी आनी चाहिए, क्योंकि वो सभी लोग सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं अपने रिसर्च में, एक्सपेरिमेंट में, उसके बिना संभव नहीं हो पाता है। अगली बात, अगर आपने यूजी की है, पीजी करेंगे, फिर जब आप रिसर्च करेंगे, अगर आप अनुसंधानकर्ता बनना चाहते हैं मनोविज्ञान के, तो भी सांख्यिकी आनी चाहिए ना, स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, क्योंकि लैब में आप एक्सपेरिमेंट करोगे ही करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे तो स्टैटिस्टिक्स की आवश्यकता आपको पड़ेगी, इसलिए पढ़ना चाहिए। दूसरी, तीसरा मुख्य विषय, कारण संबंधों को जानना एवं उनको ढूंढना। मतलब कोई विद्यार्थी हर बार साइकोलॉजी का टेस्ट होता है 98, 97, 99, 100 ऐसे मार्क्स स्कोर करता है, क्या कारण है भाई इसका? इनको जानने के लिए इतना जो रिजल्ट आ रहा है उसका इतना अच्छा, क्या कारण है उसका? क्या वो रटता है? क्या उसकी मेमोरी बहुत तेज है? क्या इंटेलिजेंस पावर है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी उसकी जो है, इंटेलिजेंस एबिलिटी बहुत ज्यादा है? क्या वो बहुत जल्दी ग्रेस कर लेता है, अटेंशन कैपेसिटी ज्यादा है? इन सब को जानने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग आवश्यक है। फिर स्टैटिस्टिक्स क्या काम करती है? एक बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। जिन व्यक्तियों को सांख्यिकी के बारे में कुछ ज्ञान है, नॉलेज है, या सांख्यिकी जो लोग पढ़ते हैं उनके अंदर ये माना जाता है कि विश्लेषणात्मक तर्क, एनालिटिकल रीजनिंग, आलोचनात्मक सोच की क्षमता, क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी, और वो भी हेल्दी, विकसित करने के लिए सांख्यिकी की आवश्यकता होती है, उनमें ऐसी क्षमताएं ज्यादा पाई जाती है। अगर आपको किसी भी चीज की एनालिसिस करना है, उसको तर्क देने हैं, तो स्टैटिस्टिक्स आनी चाहिए, और किसी के क्रिटिकल कमेंट्स आपको देने हैं, और दैट टू बी हेल्दी होने चाहिए, तभी दे पाओगे ना, जब कंसेप्ट को समझोगे। और कब समझोगे आप, कब दे पाओगे आप? जब सांख्यिकी को जानोगे। तो क्लियर हो आपको मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे साथियों, यूट्यूब के दर्शकों, अब आपको समझ में आना चाहिए, आ गया होगा, ये पूरा मानता हूं कि किसी मनोविज्ञान के विद्यार्थी को सांख्यिकी क्यों पढ़नी चाहिए। अब हम बात करते हैं, देखो इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है स्टैटिस्टिक्स का, अब इसमें हमें ये जानना चाहिए जरूरी है कि भारत के दृष्टिकोण में सांख्यिकी के कुछ ऐतिहासिक पहलुओं पर हम नजर डालते हैं। सांख्यिकी का मूल उद्देश्य क्या है? संख्याओं और संख्यात्मक विश्लेषण की मदद से वास्तविकता का निर्धारण और पर्याप्त ज्ञान देना, यह इसका वास्तविक उद्देश्य है, मूल उद्देश्य। भारत में हमारे पास स्पष्ट सबूत है, प्रूफ है, क्लियर कट प्रूफ है कि प्रशासनिक सांख्यिकी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैटिस्टिक्स 300 क्रिश्चियन संवत से पूर्व, लगभग 2300-2350 साल पहले उच्च स्तर पर थी, हाई लेवल पर थी, उसको बोलते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैटिस्टिक्स। कैसे थी भाई वो, कैसे प्रूफ आपके पास है, चलिए हम थोड़ी बात करते हैं। आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जिन्हें चाणक्य के नाम से जाना जाता है, उनको कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, एक साधारण से गाय चराने वाले गडेरिये को उन्होंने राजा के पद पर पहुंचा दिया था, याद है चंद्रगुप्त? बिल्कुल, उन्होंने अर्थशास्त्र में लिखा है गोप के कर्तव्य, गोप के संस्कृत का शब्द है और इसके अलग अलग मीनिंग बहुत सारे दिए हुए हैं, तो इस कंटेक्स्ट में जब पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में, यहां पर गोप का मतलब यह है कि लगभग 8-10 गांव पर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो पूर्ण रूप से गुरुकुल में गया हो, वो उन पूर्ण रूप से उनका एक इंचार्ज हुआ करता था 8-10 गांव का। उसका रोल क्या था, उसके कर्तव्य क्या थे, जिसमें उसके गांव के जो लेखाकार होते थे वो भी कभी कभी गोप के कर्तव्य निभाते थे, उसकी ड्यूटी क्या थी, ये आपके सामने ड्यूटी है। पहली ड्यूटी थी उनकी गांव की सीमाओं का निर्धारण करना, वो जो सीमाएं थी ना उसकी बाउंड्रीज, भूमि के कृषि योग्य भूखंडों का निर्धारण करना, कृषि अयोग्य भूखंडों की पहचान करना, उसका निर्धारण करना, मैदानों का निर्धारण, गीली भूमि वेटलैंड्स, उद्यानों, वनस्पति उद्यानों, उद्यान समझते हैं ना गार्डन्स, वनस्पति मतलब वेजिटेशन गार्डन्स जितने होते हैं, बाढ़ मतलब वात इसको बोलते हैं, जंगलों, देवताओं के मंदिरों, जो मंदिर थे, जितने सारे टेम्पल्स थे उनका निर्धारण करना, उनकी पूर्ण रूप से उनके बारे में लेखा जोखा रखना, सिंचाई के काम, याद रखना उस समय भी इरिगेशन होता था, शमशान भूमि, कितनी इंपॉर्टेंट जगह है शमशान भूमि, जहां पर आप हम सबको एक दिन वहां पर जरूर पहुंचना है, भोजनालय,
वहां पर उसमें भोजनालय हुआ करते थे, ऐसे स्थान जहां यात्रियों को पानी की आपूर्ति की जाती हो, क्योंकि उस समय जो यात्री ट्रेवल करते थे घोड़ा गाड़ी से, ऊंट गाड़ी से, बैल से, बैलगाड़ी से, या घोड़ों पर या पैदल, उनको रास्ते में पानी की आवश्यकता होती थी, वो जगह आपूर्ति की जाती थी, उनका निर्धारण करना कहां होना चाहिए, तीर्थ स्थान, चरगाहों, सड़कों की गणना करना, विभिन्न गांवों, खेतों, जंगलों और सड़कों की सीमाओं का निर्धारण करना, और जो गोप था वह राजा को कितने उपहार मिले, राजा के लिए कितनी चीजों की बिक्री हुई, दान में क्या मिला, खेतों के संबंध में करों की छूट का पंजीकरण, किन किन लोगों को, किसानों को करों में छूट दी जानी, उनका रजिस्ट्रेशन करना, ये सारे काम गोप करते थे। वो कैसे करेगा ये, जब तक उसको स्टेटिस्टिक्स नहीं आती होगी। इतना ही आसान है क्या, करों की छूट कर, किसको कर को देना है, किसको निर्धारण करना है, ये कौन कहता है ये बातें, कौटिल्य के शास्त्र में लिखी है, वहां से किसने निकाली, आपके सामने जिन महानुभाव का फोटो लगा है, पीसीएम साहब ने, मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, मैंने उनसे लिए, मैंने लिखा भी नाम उनका, पीसी मालेनोविस। तो आप समझ सकते हैं कि 300 क्रिश्चियन इरा से पहले भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटिस्टिक्स किस लेवल पर थी। तो स्टेटिस्टिक्स कोई नया कंसेप्ट नहीं भारतीयों के लिए, आप इसको बड़ा अच्छे से समझ सकते हो ऐतिहासिक दृष्टि से। अब बात करते हैं परिचय की, बहुत कुछ आपने जान लिया, इंट्रोडक्शन तो देना ही देना ना भाई। चलिए, सांख्यिकी का अध्ययन पेशे और प्रशिक्षण का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। जितने भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग देनी हो, चाहे वो हिस्ट्री का स्टूडेंट हो, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन का विद्यार्थी हो, चाहे वो आपका मैनेजमेंट का विद्यार्थी हो, चाहे एंथ्रोपोलॉजी का विद्यार्थी हो, चाहे वो एरोडायनेमिक्स का विद्यार्थी हो, और चाहे मनोविज्ञान का विद्यार्थी हो, हर किसी को स्टेटिस्टिक्स की ट्रेनिंग देनी जरूरी है। क्यों भाई? क्योंकि एक ऐसा साधन है, ऐसी टेक्निक है, ऐसा मीन है जो शोधकर्ताओं को, रिसर्चर्स को परिणामों को सार्थक और सुविधाजनक तरीके से संक्षेप में प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है। आपने डेटा कलेक्ट करके, डेटा तो कलेक्ट कर लिया आपने, अब उसका आपने रिजल्ट क्या आया, उसका कैसे अर्थ निकला, उसका वो क्या कह रहा सकता है डेटा, ये कौन बताएगा, ये स्टेटिस्टिक्स बताएगी। और इसलिए हर प्रोफेशनल को स्टेटिस्टिक्स की ट्रेनिंग आवश्यक है। सांख्यिकी क्या है? शोधकर्ताओं को प्रक्रियाओं के मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन, डेटा और कारण कारकों, कॉजल फैक्टर्स का विश्लेषण, परिणामों का सारांश, परिणामों का सामान्यकरण और भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं। अब आपसे कोई पूछ बैठे कि स्टेटिस्टिक्स का क्या रोल है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ स्टेटिस्टिक्स, ये रहे आपके सामने। आप देख सकते हैं प्रक्रियाओं के मानकीकरण पहला यूज, डेटा और कारण कारकों का विश्लेषण यानी कॉजल फैक्टर का एनालिसिस दूसरा यूज, तीसरा परिणामों का सारांश, कंक्लूड करना रिजल्ट्स को, परिणामों का सामान्यकरण, जनरलाइजेशन का रिजल्ट्स का, और भविष्यवाणी, अनुमान लगाना, ये सारे के सारे इस्तेमाल हैं, प्रयोग हैं स्टैटिस्टिक्स के। तो ये इतने सारे प्रयोग हैं, तो हर किसी को स्टैटिस्टिक्स आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? ठीक, आनी चाहिए। मनोविज्ञान और सामाजिक विज्ञान में कुछ जब स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं तो उसके कुछ स्टैटिस्टिक्स के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उनको कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्तियां, सेंट्रल टेंडेंसीज, और कहते हैं उनको कोरिलेशन, रिग्रेशन यानी प्रतिगमन, विचरण का विश्लेषण, विचरण मतलब यहां पर वेरिएशन, ठीक है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, अनोवा आदि विभिन्न सांख्यिकी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। जो सोशल साइंसेज हैं और मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी, उसमें इन सब चीजों का इस्तेमाल होता है। केंद्रीय प्रवृत्तियां कौन कौन सी होती हैं बताइए जरा? बिल्कुल, आप जानते हैं मीन, मीडियन, मोड, ठीक, आगे डिस्कस करेंगे जब वो आपका ये टॉपिक आएगा। तो इसके आगे हम चलते हैं, ये सभी तभी हासिल किए जा सकते हैं, यानी कि जो सारी चीजें जो हमने अब तक डिस्कस की, जब हमारे पास कुछ डेटा हो और वो डेटा वर्गीकृत हो, ग्रुप डेटा हो, और सांख्यिकी प्रक्रियाओं के लिए जो हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगाते हैं उसके लिए जो ग्रुप डेटा है, वर्गीकृत डेटा है, एक कच्चे माल, कच्चे सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात कोई चीज जब बनानी होती है तो उसके लिए कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। तो सांख्यिकी की टेक्निक्स के लिए जो ग्रुप डेटा है, वर्गीकृत डेटा है, वो एक कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया आपको? जैसे कि सॉस बनाने के लिए टमाटर कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है, उसी प्रकार स्टैटिस्टिकल टेक्निक के लिए ग्रुप डेटा या अनग्रुप डेटा कच्चे माल के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो रोज जो डेटा होता है, रो जो हम मिलते हैं, हमारे को डेटा जो इकट्ठा किया जाता है, ताजा ताजा इकट्ठा होता है, उसको हम ना कई श्रेणियों में डिवाइड करते हैं।
उसको इसलिए डिवाइड करते हैं ताकि उसको हम स्टेटिस्टिक्स में इस्तेमाल कर सकें। कौन कौन सी होती है? आवृत्तियां, फ्रीक्वेंसी, प्रतिशत, परसेंट, अनुपात में व्यवस्थित किया जाता है, ये जान लेते हैं। एक एक चीज को डिस्कस करते हैं थोड़े थोड़े, उसमें क्या होता है। आवृत्तियां क्या होती है भाई? इनको अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, बार बार होने वाली कोई घटना उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसकी आवृत्ति बोलते हैं। ठीक, किसी विशिष्ट श्रेणी में वस्तुओं या घटनाओं की संख्या। ठीक, आपकी क्लास में 40 विद्यार्थी हैं, 40 में से 6 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 90 से अबव नंबर आते हैं, तो अब एक एक श्रेणी हो गई हमारी 90 से अबव, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 6। और आपके 70 से लेकर 80 के नंबर जिसके बीच में आते हैं, 70 से लेकर 90 के बीच में आने वाले 40 में से है आपके 28 बच्चे। ठीक है, 28 क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी हो गई। तो ये होती है आपकी आवृत्तियां। अब आगे प्रतिशत, परसेंट। प्रतिशत क्या होता है? एक इंडेक्स होता है, मैथमेटिकल इंडेक्स होता है, जिसका बेस होता है 100, आधार होता है 100। अब आपसे किसी जिस व्यक्ति को प्रतिशत के बारे में नहीं पता है, सिर्फ वो कम ज्यादा के बारे में जानता है, उसको आप ये कहो कि मेरे 500 में से 450 नंबर आए हैं और मेरे साथी के 1000 में से 700 नंबर आए हैं, वो कहे क्या यार आपके इतने कम कैसे? फिर आप लोग परसेंट बताओगे, मेरे 90% है और उसके 70%, और ये तेरे ज्यादा है यार। तो परसेंट का ये रोल है, क्योंकि एक इंडेक्स है और उसका आधार हम 100 बना लेते हैं कि दो दो चीजों के कंपैरिजन के लिए, उनको समझने के लिए हम परसेंटेज में इसको निकालते हैं, तब उसको हम समझ पाते हैं, कंपैरिजन कर पाते हैं। तीसरा तो है अनुपात या समानुपात, प्रोपोर्शन। इसका एक और कंसेप्ट है वो बताता हूं, रेशो। देखिए दोनों में प्रोपोर्शन और रेशो को हिंदी में एक ही नाम से बुलाया जाता है, अनुपात, अनुपात। कई बार प्रोपोर्शन को हम समानुपात भी कह सकते हैं, इनमें डिफरेंस बहुत थोड़ा होता है, वो समझिए इसको। प्रोपोर्शन क्या होती है? यह संख्या एक का भाग, उसका एक का कोई टुकड़ा या अंश होता है। ठीक, एक का अंश होता है। किसी प्रतिशत का 1/100 भाग, किसी प्रतिशत का, किसी परसेंट का 1/100 भाग। मान लिया जाए आपके पास कोई 42% है, तो उसका अगर प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करोगे तो 1.42 उसकी प्रोपोर्शन आ जाएगी। ठीक हो गई, अर्थात प्रतिशत अनुपात का 100 गुना होता है। अब दोबारा 0.42 है प्रोपोर्शन है, इसको परसेंट निकालोगे तो 100 से गुणा करो, परसेंट आ जाएगा। तो ये होगा आपका प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन की मुख्य बात ये है कि इसका जो आधार होता है एक होता है। जिस प्रकार प्रतिशत का जो बेस या आधार है वो 100 होता है, प्रोपोर्शन का आधार एक होता है, लेकिन एक का ये एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है ये। ठीक, क्लियर हो गया। अब बात आती है रेशो की। रेशो में भी आधार है वो एक ही होता है, यानी प्रोपोर्शन और रेशो का जो बेस है वो 1 होता है, 1। ठीक, अनुपात क्या होता है? भिन्न होता है या अपूर्णांक, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब 4/5, 17/18। ठीक है, ऐसे ना, ये एक इस तरह से भिन्न बोलते हैं या अपूर्णांक बोलते हैं, फ्रैक्शन ऐसा होता है। अब माने जाए कैसे ख का अनुपात क्या है, तो क बटा ख होगा। ठीक है, उसको जैसे 3:4 हो गया ना, 3/4 मतलब 3:4, 3 से 4 का जो रेशियो है वो 3:4 हो जाएगी। लेकिन जब प्रोपोर्शन होगा तो 3 को आप 4 से भाग करेंगे, 4 × 7 = 28 और 7.76 अगर निकालते हैं आप तो वो प्रोपोर्शन हो गया। अगर 3:4 लिखेंगे वो रेशियो हो जाएगी। ये क्लियर हो गया आपको ना? ठीक, अनुपात यानी कि रेशियो कुल हिस्से के साथ साथ भाग भी होता है, मतलब उसके पार्ट हिस्से, पार्ट के साथ उसका पूरा एक पार्ट भी होता है, जबकि प्रोपोर्शन कुल का एक हिस्सा होता है, पूरे टोटल का एक पार्ट होता है। ठीक हो गया, ये डिफरेंस है। तो आप इस तरह समझ सकते हैं, प्रोपोर्शन है वो आपको अगर 3/4 का प्रोपोर्शन है तो 0.76 आ जाएगा, और अगर रेशियो है तो 3:4 आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्रोपोर्शन एक प्रकार से एक स्पेसिफिक रेशियो होती है, एक पर्टिकुलर, एक विशिष्ट रेशियो होती है। समझ में आ गया? लेकिन रेशियो अनुपात यानी प्रोपोर्शन नहीं होता है। तो ये डिफरेंस होता है प्रोपोर्शन और रेशियो में। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें थी स्टेटिस्टिक्स की दोस्तों। अब हम बात करेंगे, इस वीडियो का आखिरी पॉइंट है, सांख्यिकी के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स। घबराना नहीं, दो ही है। कई बार आप बच्चे घबराते हैं, सर पता नहीं 10-12 प्रकार पढ़ाएंगे आप, नहीं, दो ही है, बहुत आसान से डिफरेंशिएट है, दैट इज नॉन पैरामीट्रिक एंड पैरामीट्रिक। हिंदी बोलते हैं गैर पैरामीट्रिक सांख्यिकी और पैरामीट्रिक सांख्यिकी। अब कोई भी डेटा
उसके ऊपर अगर कोई स्टेटिस्टिकल टेक्निक आप लगाते हैं, सांख्यिकी विधि लगाते हैं, अगर उस डेटा पर आप वो सांख्यिकी टेस्ट लगाते हैं, सांख्यिकी विधि लगाते हैं जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अजम्पशंस को मीट करती है, उसको पूरा करती है, तो उसको हम कहते हैं पैरामीट्रिक स्टेटिस्टिक्स। और वो टेस्ट जो नॉर्मल अजम्पशंस को फुलफिल नहीं करते हैं, अगर वो आप टेस्ट लगाते हैं तो बोलते हैं नॉन पैरामीट्रिक स्टेटिस्टिक्स। आपके पास अगर डेटा है, उस डेटा के बराबर कोई स्टेटिस्टिक्स लगानी, अगर आपको टी टेस्ट लगाना है तो पैरामीट्रिक होगी, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं किसी डेटा पर अगर हम टी टेस्ट लगा रहे हैं तो वो डेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की मान्यताओं को, अजम्पशंस को मीट करता है। अगर वहीं पर हम मैन विटनी यू टेस्ट लगाते हैं किसी भी डेटा के ऊपर, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि वो डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अजम्पशंस को मीट नहीं करता है, इसीलिए हम नॉन पैरामीटर लगाते हैं। नॉन पैरामीटर में जैसे काई स्क्वायर आ गया, मैन विटनी टेस्ट आ गया, क्रूस्कल वॉलिस टेस्ट आ गया, और स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस कोरिलेशन कोएफिशिएंट आ गया, ये सारे नॉन पैरामीट्रिक है। पैरामीट्रिक में कौन कौन से आते हैं, ये बोलते हैं आपके कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट आ रहा है, पियर्सन आ रहा गया, देन टी टेस्ट, अनोवा, अनकोवा, मनोवा, मनकोवा, फैक्टर एनालिसिस, स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग, ये सारे के सारे पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं। ये बात समझ में आ गई? कहने का मतलब ये है, अगर आपका डेटा रैंक में हो, फर्स्ट रैंक, थर्ड रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक ऐसे है, तो उसमें नॉन पैरामीट्रिक स्टेटिस्टिक्स लगेगी। अगर आपका डाटा एब्सोल्यूट वैल्यूज में हो, 17, 18, 81, 85, 102, 28, इस टाइप से अगर डेटा है और वो डेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की अजम्पशंस को मीट करता है, तो हम पैरामीट्रिक स्टेटिस्टिक्स लगाएंगे। आपको इसमें ये अंतर पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आशा है आपको ये अंतर समझ में आ गया होगा। और अंत में ये मेरे कुछ रेफरेंसेज हैं, आप इनको क्रॉस चेक कर सकते हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं और अधिक जान सकते हैं। मैंने आपके साथ स्टडी से कुछ कोट से शुरुआत की, मीनिंग बताया, डेफिनेशन मैंने बताई, कुछ भारतीय दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण की मैंने चर्चा की, फिर इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने बताया आपको, फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके अंदर प्रश्न है कि मनोविज्ञान के छात्र को क्यों स्टैटिस्टिक्स पढ़नी चाहिए, वो मैंने क्लियर किया, और अंत में मैंने टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स आपको बताई, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक, और उसमें क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, एक मेरी सलाह आपको है कि दो किताबें जो मैंने मेंशन की है, गिलफोर्ड और गैरेट, जो एक नंबर और तीन नंबर पर है, इन किताबों को अगर आपको स्टैटिस्टिक्स को जानना है, समझना है, तो इन किताबों को परमानेंट खरीद लीजिए और अपने दिल में बसा लीजिए। स्टैटिस्टिक्स आप कभी नहीं बोल पाएंगे, ठीक। अब दोस्तों, जो अगली हमारी चर्चा होगी, अगली जो मेरी वीडियो होगी, वो होगी सांख्यिकी का परिचय पार्ट 2, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2। अब वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगती है तो औरों को बताएं, दूसरों के साथ इसको शेयर करें, अगर अच्छी लगी तो ऑब्वियसली आप इसको लाइक वाला बटन दबा दें, और इसमें कुछ कमी लगती है तो बेशक से आप डिसलाइक का बटन दबा दें, मुझे खुशी होगी, मुझे दुख नहीं होता। साथ में मुझे बताएं भी कि सर मुझे क्यों ये कमी लगी, मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरी ईमेल है wamasujit@yahoo.com। मुझे आप सबके कमेंट्स का इंतजार रहता है, और जो मेरे साथी यूट्यूब के जो दर्शक हैं, वो मेरे जो कमेंट्स मुझे लिख रहे हैं, उनके लिए बहुत एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, सादर धन्यवाद। आपके कमेंट्स आते रहने चाहिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है, और आपके लिए नए नए अच्छे अच्छे कंटेंट्स डेवलप करने में मुझे बहुत मदद मिलती है। दोस्तों, इसी के साथ मैं दोबारा से बहुत जल्दी आपके साथ हाजिर होऊंगा दूसरी वीडियो लेकर, जिसका चर्चा मैंने बता दिया, पार्ट 2। और मेरी इस वीडियो को इतने ध्यान से सुनने के लिए, इतने अपने पूरे कंसंट्रेशन से देखने के लिए, आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।